नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं आपको दो तीन चीज़ें की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। फर्स्ट, कभी भी कोई आर्टिकल्स लें, ये तो आपने फ़ैशन देखना है तो आप कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं। देखो फैशन और देखो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जो फैशन भी देखना है तो आपको हमेशा कभी भी आर्टिकल लें तो थ्री लेयर वाला लें। थ्री लेयर इन द सेंस, फर्स्ट लेयर बाहर, सेकेंड लेयर उसके अंदर। जैसे अब यही लगा लो, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर इसके अंदर है, थर्ड लेयर ये वाली है, इसको थ्री लेयर बोलते हैं। इससे क्या होता है, फर्स्ट लेयर क्रॉस होती है, सेकेंड लेयर में जाती है हवा, सेकेंड लेयर क्रॉस होती है, थर्ड लेयर में जाती है। जब तक बहुत मुश्किल हो, ज़्यादातर तापते की जगह एंटी फीलिंग या कोई वॉर्म अंदर लगाओ, वो चीज़ लें। इससे आपको काफ़ी अच्छे मतलब कि रिस्पॉन्स मिलेंगे, जिससे पीस गर्म होगा। तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बट जितना मेरे से हो सकता है मैं हमेशा वही दूँगा। अब ये एक जिप है, तो हम पीवीसी कोटिंग कहते हैं। अब इस जिप का सबसे बड़ा बेनिफिट, इसमें पानी नहीं जाएगा। अब जिप फैब्रिक वाटरप्रूफ है तो हमें जिप भी वाटरप्रूफ चाहिए कुछ। अब ऐसी जिप को यूज़ कर, अब ये देखो, ये क्वालिटी देखो, आपको क्वालिटी बहुत बेस्ट वाली दूंगा, पीवीसी कोटिंग है। तो हमारी तरफ से ये होता है कि भाई हम अच्छी चीज़ दें, बढ़िया चीज़ दें, तो जिससे हमारे, देखो आप मेरे कस्टमर नहीं हो जो मेरे से लेते हैं, मैं कभी ये सोच के नहीं देता कि वो मेरा कस्टमर है। मैं ये सोचता हूँ कि यार इनको मैं दूंगा, ये 10 बंदों को और बताएंगे कि मेरे अब लिंकड हो, मतलब कि आप एक लिंक बना रहे हो मेरा अच्छा। और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे से, मैं किसी से कस्टमर की तरह उनको डील करूँ। मेरे को हमेशा होता है यार, मेरे को ये 1500 की जैकेट है ना, मेरे को घर पे 1400 की पड़ी, मैं 1500 में देने में सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे को 100 रुपये से ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरा बल्क में माल जाता है, मेरे को सेटिस्फेक्शन। क्योंकि आप एक पीस लेते हो, आप 10 बंदों को बताते हो, तो वो मेरे 10 पीस वैसे बन जाते हैं। जो 10 बंदे हैं, कोई एक बड़ा बंदा फैक्ट्रीज वाला होगा या कोई बड़ा होलसेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो ले लेगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे लिंक अच्छे सबसे बने रहे, मेरा अच्छा प्यार बना रहे, और मैं चाहूँगा कि मैं अच्छा आगे बढ़ूँ, और वो आपके थ्रू ही है। चलो अब आपको आर्टिकल दिखाते हैं। आर्टिकल आज कौन सा दिखाएं आपको? हाँ, ये वाला आर्टिकल आपको बहुत बेस्ट रहेगा। ये आर्टिकल वैसे अभी फुल कंप्लीट नहीं है, बट आपको अभी इसकी छोटा सा रिव्यू देता हूँ। ये अपना लिटिल कोट है, जैसे मैंने कल एक डिटैचेबल कोट दिखाया था, वैसे ये शॉर्ट कोट है। अब इसके अंदर भी एक जैकेट लगेगी, बट अभी इसका पीस पूरा रेडी नहीं है, बस आपको शॉर्ट वीडियो दिखा देता हूँ। इसके अंदर की लुक देखते हैं, अंदर की लुक देखो, क्वालिटी देखो, इसकी पता लगता है भाई हाँ काम हुआ हुआ है। अब मेरी इस बार कैमरे की क्वालिटी ना थोड़ी ब्लर हो रही है, आई डोंट नो क्या कैमरे में सेटिंग हुई है, तो वैसे कोशिश करता हूँ। देखो पीस में जान प्राण है पूरे, और ऊपर से ये पहनने में भी आपको दिखा दूँ, तो पीस को पहनने के बाद कुछ इस तरह का है। ये शॉर्ट कोट, साइड में पॉकेट, ऊपर फिर से पॉकेट, और डाई टू मैच बटन, ठीक है। अंदर अच्छी क्वालिटी की चिप, इसमें भी नॉर्मल लगी, बट जब ये इसका स्टॉक बनेगा आपको वाई के का ही मिलेगा। इसकी लुक देखो, इसमें ठीक है, इसमें कैप भी है, कैप अलग हो जाएगी, कैप अलग, क्योंकि वैसे ये एम साइज है, मेरे को तो वैसे एल या एक्सल, एल ही आएगा, वैसे मेरा एक्सल नहीं आएगा। ये पीस की लुक आप देख सकते हो अभी, मगर इसका स्टॉक रेडी नहीं है अभी, ये पीस भी कंप्लीट नहीं है, ये भी नहीं मैं बोल सकता ये पीस कंप्लीट है, ये अभी अनकंप्लीट पीस है। ये पूरे पीस में अंदर, ये भी थ्री लेयर वाला ही पीस है, फर्स्ट लेयर ये, सेकंड लेयर जो इसके अंदर टापटा लगा ना, उसके अंदर वी लगी हुई है, ठीक है। तो ये थ्री लेयर में ही गिना जाएगा। अब ये पीस की आप लुक देख सकते हो, अब यही आप किसी ब्रांड का पीस लेने जाओ तो आपको ईजिली वो 3 से 4 हज़ार, क्योंकि मैंने भी एक ब्रांड कल देख लिया, सर्च कर लिया कि भाई उनसे मैंने पीस मांगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम सिंगल पीस नहीं देंगे। मैंने बोला सिंगल पीस का क्या चार्जेस है, अब दे दो, मैंने कुछ चेक करना है कि भाई मेरे को फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है। मैं सही बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बोला है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, 7 हज़ार का सिंगल पीस देंगे। मैं हैरान हूँ भाई, तुम क्वान्टिटी में 3500 का दे रहे हो, सिंगल में 7 हज़ार का दे रहे हो, क्या लूट मची है। तो जब उनको मेरा नाम पता लगा कि भाई मैं, मेरा खुद का ही काम है, ये है वो, उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए, और उनको पता लगा मैं न्यू आइडिया वाला हूँ, तो मोस्टली उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम आपको नहीं देंगे पीस। सॉरी मैं बातों बातों में पीस आइड रख दिया। हाँ, इसकी आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ, हमारा ब्रांड खुद का न्यू आइडिया। कैप इसकी अलग हो जाएगी, डिटैचेबल कैप है ये, देखिए ठीक है, ये अलग होने वाली कैप है। शोल्डर पे शोल्डर रैंक, सामने से आपने देख ली है, इसमें 6 पॉकेट हैं, ठीक है। कफ में, इसमें बाजू में कफ लगा हुआ है, यहाँ पे बटन लग जाता है,
आपको रिब भी मिल सकती है आगे, क्या पता, वैसे तो ये कफ वाला ही बनेगा, रिब वाला इसमें डिटैचेबल पीस है ना, इसके अंदर एक होल जैकेट लगेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिब वाला ही कफ वाला ही बनेगा। बाकी कॉलर इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हमारा देखिए ब्रांड जितना में से हो सकता मैं इसको बेस्ट बना रहा हूँ, और आप इसको और अच्छा बनाओ, क्योंकि एम साइज़ है, मैंने आपको बोला ना एम साइज़ है, मेरे को नहीं आएगा, थोड़ा छोटा होगा, बट मेरे को एल साइज़ आएगा, बट एम साइज़ भी ठीक है मेरे लिए, बट जो मैंने लॉन्ग की तरह पहनना है, लॉन्ग जैकेट की तरह, फिर तो मेरे को एल ही आएगा। और बाकी अंदर एक पॉकेट है छोटी सी, पेन मतलब कि पर्स पॉकेट रखी जाती है, तो इसका पूरा हाथ इसमें भी जा रहा है, मेरा हाथ इतना जाता है। अब देखो इससे बड़ी मैं पॉकेट क्या दूँ, मेरी आई थिंक 8 इंच ये पॉकेट है, तो फ़ोन जो अपना होता है वो 6 इंच का होता है, देखिए इसको डाल देखो पूरा फ़ोन गैप है, मतलब अंदर तक जा रहा है, ऊपर से 2 इंच 3 इंच बच गया। ये बहुत हमारी तरफ से ये होता है, जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं उसको हम सुधारते हैं, कि जो चीज़ मैं देखता हूँ, देखो मैं पहले एक कस्टमर बन के ये पीस बनाता हूँ कि यार मेरे को वो सेटिस्फेक्शन है तो ही मैं लॉन्च करूँगा, बट अभी इसका मैंने लॉन्चिंग नहीं करा, ये पीस मैं आपको सिंगल पीस बनाया है। रीज़न क्या है कि अभी इसका सैम्पलिंग ही हुई है, बल्क में जब ऑर्डर आएगा तो इसको मैं लॉन्च कर पाऊँगा, बट आपको लुक दिखाइए, लुक देख के आपने बताना है इसको लॉन्च करना चाहिए या नहीं, कि आप ही मेरे को देखो गाइड करते हो, मेरे को अच्छा लगता है, कोई मेरे को स्पेशल फ़ोन करके बोलता है, कोई मेरे को कॉलिंग करता है, कि और पिछले साल के भी मेरे कुछ कस्टमर मेरे को देखो पिछले साल मैंने सेल कराया, ठीक है, मैं कहता हूँ उस पिछले साल के कस्टमर इस बार मेरे साथ फिर दोबारा रिपीट में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कि मेरा काम अच्छा था, कि मेरा काम अच्छा ना होता तो मेरे को कभी अच्छा रिव्यू मिलता ही ना, तो इसलिए आपकी सपोर्ट है सबकी, जो मैं इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ, सो आप हमेशा गाइड करें मेरे को, जो मेरी कोई कमी हो, जो मेरी कोई बोलने में कोई मिस्टेक हो रही हो, या मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, उसके लिए सॉरी, मैं हमेशा अपनी तरफ से तो बेस्ट ही देता हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ, बट कई बार कहते हैं ना भगवान कभी गलती ना करवाए, कि मैं कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ मिसबिहेवियर कर गया हो, तो उसके लिए मैं पहली माफ़ी मांगता हूँ। सो आप मेरे को सपोर्ट करें, आई नीड योर सपोर्टिंग, सो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, लाइक एंड कमेंट अपना करें, तो थैंक यू एंड नमस्ते।